हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल से चार पोनी टेल हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, कहीं सफर में जा रहे हो और अपने बालों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसा हेयर स्टाइल बनाएं, तो ये हेयर स्टाइल्स की जितने भी हेयर स्टाइल हैं सारे आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे आपके फेस पे और काफ़ी कम्फर्टेबल रहोगे आप इन सारे हेयर स्टाइल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और मेरा सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसमें मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। अगर आपको सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड हो या फिर ड्रेस डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, बहुत सारी ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज मेरे चैनल पे आपको डे बाय डे मिलते रहते हैं। छोटी छोटी जो बारीकियाँ मिस्टेक करते हो आप सिलाई में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ उस चैनल पे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो यहाँ पे सिर्फ एक रबड़ बैंड की मदद से मैं चारों हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। एक रबड़ बैंड की मदद से चार ब्यूटीफुल से सेल्फ पोनी टेल हेयर स्टाइल है लॉन्ग टूर के लिए, सफ़र कर रहे हो कहीं जा रहे हो तो उसके लिए। तो चलिए, इस तरीके से मैंने पहले बालों को साइड पार्टीशन रखा है और इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लूँगी दोनों साइड से। ओके, तो इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टीशन करने के बाद से सारे बालों को अच्छे से कॉम करेंगे। और ये जो मेरे बालों का हेयर कलर दिख रहा है, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। और ये हेयर कलर करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, सब कुछ पूरा डिटेल में बताया हुआ है। बिना वीडियो देखे आप हेयर कलर मत कीजिएगा। नीसा हेयर कलर है और गोल्डन वाला, तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने पोनी टेल बना लिया है और एक रबड़ बैंड लूँगी और इस तरीके से रबड़ बैंड को लगाऊंगी। रबड़ बैंड को ज़्यादा लूज नहीं रखना, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो। तो सिंपली जितने बार ईजिली फोल्ड हो जाए रबड़, उतनी बार ही लगाइएगा। और इस तरीके से क्राउन एरिया के हेयर को थोड़ा थोड़ा खींच लीजिएगा, जिससे आपके क्राउन एरिया पे वॉल्यूम दिखे और आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगे। अब आपको क्या करना है, साइड के हेयर को सिंपली इस तरीके से कॉम करके लेके जाएंगे और पोनी टेल के ऊपर से इस तरीके से अच्छे से कॉम कर लीजिएगा। बेबी हेयर ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। ऊपर से इस तरीके से पोनी टेल को लपेट लेंगे। अब दूसरे साइड के भी हेयर को इस तरीके से कॉम करना है। ओके, और फिर से ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से लपेटेंगे। टिक टैक क्लिप, बॉबी क्लिप या फिर यूपिन, जिससे भी आपको इजी हो वो लेके आपको ये हेयर को पिनअप कर लेना है। मैंने यहाँ पे टिक टैक क्लिप से नीचे की तरफ लगा दिया और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है। बैक से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आपका रबड़ बैंड भी नहीं दिख रहा है एंड आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है एंड आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे इस हेयर स्टाइल के साथ लॉन्ग टूर के लिए, सफ़र के लिए। अगर आप अपने बालों को ऊपर नहीं रखना चाहते हो तो ये एक ऑप्शन है अपने बालों को स्टाइलिश लुक और खूबसूरत और कम्फर्टेबल लुक देने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। बेबी हेयर को अगर सेट करना है तो आप सेटिंग स्प्रे जरूर यूज कर लीजिएगा। क्राउन एरिया के हेयर को थोड़ा सा और खींच लेंगे और जिसके बाद से ये इसका जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। ओके, तो चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। पहले ही मैंने आवाज़ ऐड किया था बट वो जो मेरा माइक था वो डिस्चार्ज हो चुका था, जिसकी वजह से आवाज़ मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ा यहाँ पे। तो सेकंड हेयर स्टाइल में आपको फर्स्ट हेयर स्टाइल की तरह ही पोनी टेल को रखना है सेम टू सेम, बस साइड वाला जो पार्टिंग था उसको ओपन कर लिया है और इसको सिंपल सा पतला सा लेयर लेंगे। और जैसे हम लोग उल्टी चोटी बनाते हैं ना, सिंपल उसी तरीके से चोटी बनानी है। थ्री लेयर्स इसको लेंगे और बीच वाले पार्ट को ऊपर की तरफ से और नीचे साइड वाले पार्ट्स को नीचे की तरफ से इस तरीके से चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा लेयर्स दोनों साइड से इसमें ऐड करते जाएंगे। चोटी को बना लिया, अब दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा लेयर इस तरीके से लेंगे और चोटी में ऐड करते जाएंगे। ओके, इस तरीके से बहुत आसानी से बना लोगे, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली और तरीके से अपने बालों को स्टाइलिश सा लुक दे सकते हो। तो इस तरीके से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हेयर लेते जाएंगे और चोटी में ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा ऐड कर लिया हमने, अब जितना भी हेयर बचा हुआ है उन सबको अच्छे से गूंथ लेंगे, पूरा एंड तक गूंथेंगे।
और गूथने के बाद से आपको एंड तक गूथने के बाद से थोड़ा थोड़ा सा जो चोटी है हमारी इसको खींचेंगे, जिससे कि इसमें वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा दिखे और हमारा हेयर स्टाइल का लुक भी अच्छा आए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे, ज़्यादा नहीं खींचना, हल्का हल्का ही खींचना है बस, जिससे चोटी थोड़ी सी चौड़ी और घनी दिखे। तो इस तरीके से पूरा ऊपर तक खींच लिया हमने। और बैक साइड में लेके जाएंगे, पोनी टेल के ऊपर से लेके जाएंगे और नीचे की तरफ रबड़ बैंड को ये देखिए इस तरीके से खींचेंगे और पोनी छोटी के हेयर को इस तरीके से निकाल लेंगे इसमें से। तो हमको यहाँ पे क्लिप नहीं लगाना पड़ेगा और इस तरीके से हल्का सा लूज कर देंगे और ये इस साइड का लुक हो गया। दूसरी साइड आपको क्या करना है, सिंपली हेयर को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ट्विस्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हेयर उसमें ऐड करते जाएंगे ऊपर की तरफ से ही और ट्विस्ट करते जाएंगे इस तरीके से, पूरा इस तरीके से हेयर तक हेयर को लेके ट्विस्टिंग करेंगे और बैक साइड में ले जाके जो हमारा पोनी टेल है उसके ऊपर से लेके जाएंगे। अगेन रबड़ बैंड के अंदर से इसको इस तरह रबड़ बैंड को इस तरीके से खींचेंगे और पोनी टेल के हेयर को निकाल लेंगे, सॉरी जो ट्विस्टिंग था उसके हेयर को निकाल लेंगे यहाँ पे। और दैट्स इट, ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया, सेकंड पोनी टेल हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ईजी है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, सेकंड हेयर स्टाइल, सेकंड पोनी टेल हेयर स्टाइल, लॉन्ग टूर के लिए, सफ़र के लिए, कहीं जा रहे हो उसके लिए आपको ये हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा, स्टाइलिश भी लग रहा है और कंफर्टेबल भी रहेगा आपके लिए। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो थर्ड हेयर स्टाइल के लिए पहले सेकंड हेयर स्टाइल को ओपन कर लिया है एंड बीच से इस तरीके से सेंटर पार्टीशन से बनाऊंगी ये मैं ये वाला हेयर स्टाइल। तो सेंटर पार्टीशन से इस तरीके से बीच की मांग निकाल ली और बाकी सारे हेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे क्राउन एरिया से और ईयर के पीछे तक इस तरीके से पार्टिंग कर लेंगे बालों का और फ्रंट के हेयर को छोड़ देंगे, बैक साइड के हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे। देखिए इस तरीके से ईयर के पीछे तक हमने हेयर को इस तरीके से निकाला है, ईयर टू ईयर पार्टिंग की है। अब सारे बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे कॉम करके अच्छे से रबड़ बैंड को लगा लेंगे। ओके अब आपको क्या करना है, इस तरीके से फ्रंट से हेयर को लेंगे पतला पतला सेक्शन और ट्विस्ट कर देंगे और सेक्शन लेते जाएंगे, ट्विस्टिंग करते जाएंगे और उसमें हेयर को ऐड करते जाएंगे। ट्विस्टिंग करने के बाद थोड़ी देर दूर तक ट्विस्टिंग कर लीजिएगा, उसके बाद से हेयर को ऐड कीजिएगा, जिससे कि आप जो लुक देना चाहते हैं अपने बालों को वो अच्छे से आए। तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से पूरा हेयर को इस तरीके से ट्विस्टिंग करते जाएंगे और उसमें मिक्स करते जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे एक क्लिप लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक। और ऊपर से पोनी टेल के हेयर रबड़ बैंड के ऊपर से लेके जाएंगे, इस तरीके से लपेटेंगे और टिक टक क्लिप से नीचे की तरफ सिक्योर कर देंगे। और ये देखिए काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश सा लुक आ रहा है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से करना है, इस तरीके से लेंगे थोड़ा सा लेयर बालों का और ऊपर की तरफ ले जाके ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद से फिर पतला पतला लेयर्स उठाएंगे और इसके साथ ऐड करते जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। ओके इसको भी सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम पूरा ऊपर तक ट्विस्टिंग करते जाएंगे और पूरा बना लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। तो काफ़ी अच्छे से हमारी ट्विस्टिंग और लेयर्स भी दिख रहे हैं प्रॉपर वे में और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है ये हेयर स्टाइल। अगर आप साड़ी भी बांध रहे हो तो ये हेयर स्टाइल, ये पोनीटेल हेयर स्टाइल आप कर सकते हो। बाकी जितने भी हेयर स्टाइल बता रही हूँ सारे हेयर स्टाइल इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस के लिए अच्छे रहेंगे। अब उसी टिक टॉक क्लिप में इसको भी लगा दूंगी और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल रहोगी इस हेयर स्टाइल के साथ भी। जो फाइनल लुक है वो आपको दिख रहा है अच्छे से।
तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। और चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए इसको पहले ओपन करेंगे, और मेरा फोर्थ हेयर स्टाइल फेवरेट है क्योंकि बहुत इजी है, बहुत आराम से मैं फटाफट बनाती हूँ और कहीं भी निकल जाती हूँ, तो आपके साथ भी शेयर कर दे रही हूँ ताकि आपको भी कहीं जाना हो तो आप फटाफट ये वाला हेयर स्टाइल बना सकूँ। तो सिंपली मैंने फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए इस तरीके से बालों को ऊपर की तरफ से कॉम करेंगे, कोई मांग नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इस तरीके से हेयर को ले लेंगे ओके। और क्राउन एरिया के हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे जिससे बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक ना लगे बालों का ओके। तो इस तरीके से खींच लिया है, और लेयर्स पहले ही निकाल लीजिएगा क्योंकि बाद में जब हम निकालते हैं तो हमारा हेयर खींच जाता है जिससे हेयर स्टाइल भी बिगड़ सकता है। तो जल्दी में हो तो पहले ही लेयर्स निकाल के तब रबर बैंड को लगाइएगा। अब फिंगर से ही मैं ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा फ्लैट लुक अच्छा नहीं लगता, मैथी लुक ज़्यादा अच्छा लगता है बालों में, और मेरे बाल थोड़े से कर्ली में हैं तो मैथी लुक के साथ ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। तो इस तरीके से रबड़ बैंड को लगा दिया है, और थोड़ा सा और क्राउन एरिया के हेयर को खींचेंगे, फ्रंट के लेयर्स को अच्छे से सेट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा पोनी टेल के हेयर में से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से लेंगे और रबड़ बैंड को हाइड कर देंगे, और नीचे टिक टिक क्लिप से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया। तो ये थे आज के चार क्यूट इजी सिंपल पोनी टेल हेयर स्टाइल लॉन्ग टूर के लिए, सफ़र के लिए, इंडियन एंड वेस्टर्न ड्रेस सबके लिए। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा, कौन सा सबसे कंफर्टेबल लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल की वीडियोज लेके आ पाऊँ। और कोई हेयर स्टाइल की डिमांड है तो उस पर भी, उसका भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।